चरथावल कयामपुर गांव में साजुम के मकान पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ठाकुर पूरन सिंह द्वारा जनता को संबोधित किया गया। इसमें जागरूकता के बारे में बताया गया और बताया गया कि जागरूकता के अभाव में अपने बच्चों को शिक्षित करें। मामला चरथावल थाना क्षेत्र के गांव कुलहेड़ी का, जहां एक आदमी अपने मकान के अंदर सो रहा था कि अचानक बारिश पड़ने से उस गरीब की छत गिरने से गरीब का हजारों का नुकसान हो गया। कुशीनगर के जनपद NH 28 पर हीरो की एजेंसी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। खबर ग्वालियर से, जहां आज दोपहर 3 बजे राजा मानसिंह प्रतिमा से सिंध्या कन्या विद्यालय के मध्य आरओबी पुल का लोकार्पण कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद सियासी विवादों में इस पुल को आज जनता को एक सौगात के रूप में सौंपा गया, जिसमें दोनों पार्टियों ने मिलकर इस पुल का उद्घाटन किया। उत्तराखंड के बधाल सड़कों में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का विशाल धरने का आयोजन किया गया, जिसमें कहा गया कि अगर 15 अगस्त तक मौजूदा सरकार ने सड़कों के बारे में नहीं सोचा तो पूरे प्रदेश में जगह जगह धरना प्रदर्शन किया जाएगा। किच्छा की, रुद्रपुर की, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ की सड़कें इस समय धीरे धीरे बदहाल हालत में नहीं आ रही है, कहीं पहले आ गई है कहीं बाद। सड़कों जहाँ सड़क की दुर्दशा होगी वहाँ हमारा जो है झंडा गड़ेगा, कांग्रेस का झंडा गड़ेगा। इसलिए हम राज्य सरकार को गौहाज के माध्यम से वार्न कर रहे हैं, नहीं तो फिर 15 अगस्त के बाद जो है ये कार्यक्रम और जगह भी चलाएगा। प्रदेश सरकार की मंशा पर बांदा जिला महिला अस्पताल कुछ इस कदर पानी फेरने में लगा है कि विगत 24 घंटे से अस्पताल में लाइट ही नहीं आ रही, जिसके चलते मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जोरों से सुमावली के बीच आसन नदी पुल पहली बारिश से क्षतिग्रस्त हो गया। इसके ट्रैक पर चलने वाली आधा दर्जन ट्रेन को 2 दिन 28 और 29 जुलाई को बंद कर दिया। गाजियाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र के शंभू दयाल कॉलेज में गंभीर हादसा हुआ। यहां पर कावड़ियों के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। कावड़ियों को करंट लगा, एक कावड़ी की मौत हुई है। सर क्या मामला है, क्या कुछ किया जा रहा है? यहां पे कोतवाली थाना क्षेत्र में शंभू दयाल इंटर कॉलेज है, जिसमें कांवड़ शिविर लगा हुआ था। आज दोपहर के समय में एक लोकल ठेकेदार के माध्यम से उस स्कूल के मिडिल में एक रॉड पे 4 लाइटें लगाई गई थी। उसमें और शहर में जितने भी पोल्स हैं सब कवर्ड हैं, आप देख रहे हैं, बट उस पोल में अंदर चूँकि दोपहर का इशू था उस पर कोई कवर नहीं था, और एक उस पर से एक कांवड़िए जो भोले थे, 16 साल उम्र है, नन्हे नाम है, वो विजयनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गाजियाबाद में कैलाश नगर का रहने वाले हैं। उसने उसको टच कर लिया, उसके बाद 2 अदर कांवड़ियों ने ईंटे से उसको छुड़ाया और बगल में KK हॉस्पिटल है वहाँ तक ले जाते हुए, हॉस्पिटल तक वो था, उसके बाद डेथ हो गई। इस संबंध में विद्युत सुरक्षा को काफ़ी ब्रीफ किया गया था मीटिंग्स में कि कनेक्शन अस्थाई हो या अस्थाई हो, आपको सभी शिविर को चेक करके वहाँ एक। यूपी के बुलंदशहर में ITI स्कूल में सो रहे स्कूल संचालक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर हत्या की वजह और हत्यारों का सुराग लगाने में जुटी है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलंदशहर पुलिस बदमाशों पर जहां कहर बनकर टूट रही है, वहीं बदमाश एक से बढ़कर एक संगीन वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। रात्रि में स्कूल संचालक की गोली मारकर कर दी गई हत्या, वहीं हत्यारे हो गए फरार। खुर्जा क्षेत्रीय पुलिस मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश में लगी है। कैमरामैन इमरान खान के साथ रिजवान अंसारी, CMN न्यूज बुलंदशहर। गाजीपुर के जमानिया नगर स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल में पुलिस विभाग की ओर से बालिकाओं को स्वावलंबी व आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें CEO कुलभूषण ओझा ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी और आह्वान किया कि उन्हें कभी अपने साथ हो रहे उत्पीड़न, शोषण और दुर्व्यवहार को सहन नहीं करना चाहिए। इस दौरान छात्राओं ने कई सवाल भी पूछे।
पीलीभीत में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने ससुरालियों द्वारा अंतिम संस्कार कर रहे लोगों को रोक लिया और डाल सो को सूचना देकर अजला शव चिता से निकलवा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही के लिए जांच की बात कह रही है। यूपी के जहांगीराबाद में कांवड़ यात्रा व ईद की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसएसपी एन कोलोंची के निर्देश पर कोतवाल नरेश शर्मा ने नगर भर में भारी पुलिस बल तैनात कर दंगा नियंत्रण वर्दी में मुस्तैद होकर दंगा नियंत्रण अभ्यास कर नगर में फ्लैग मार्च निकाला और सड़कों पर गुजरने वाले बाइकों की तलाश व होटलों की भी चेकिंग की। देसी तमंचे से गोली मारकर एक जूता कारोबारी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखकर छोड़ गया, खुद को उसने अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देवरिया के लाल विकास खंड के ग्राम सतोतर में मच्छरों के छिड़काव के लिए पहुंचे कर्मचारियों के पास दवा की जगह पर केवल तेल था, नतीजन मशीन में ही आग लग गई।